पुरानी पेंशन की बहाली के लिए कर्मचारी अब धीरे धीरे लामबंद होने लगे हैं। कई पेंशन योजनाओं को बंद कर ओल्ड पेंशन की बहाल के लिए कर्मचारी जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आने लगे हैं। इसी कड़ी में मंडी में डाक कर्मियों ने भी मुख्य डाकघर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। केंद्र पर प्रदेश सरकार की न्यू पेंशन योजना का चौतरफा विरोध हो रहा है और कर्मचारी ओल्ड पेंशन की बहाली के लिए चौतरफा दबाव बनाने लगे हैं। इसी कड़ी में डाक कर्मियों द्वारा एक दिन की हड़ताल की गई। डाक कर्मियों ने काम छोड़कर मुख्य डाकघर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार की न्यू पेंशन स्कीम का जमकर विरोध किया। इस अवसर पर कर्मचारियों ने डाक विभाग में कर्मचारियों की संख्या में आ रही गिरावट पर भी चिंता व्यक्त की। प्रदर्शन पर उतरे इन कर्मचारियों के मुताबिक वर्तमान में डाक विभाग में 30 कर्मचारी ही रह गए हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों पर जहाँ काम का बोझ पड़ रहा है, वहीं आम जनता भी यही सही सर्विस न मिलने से परेशान है। हड़ताल करते हुए इन कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार शीघ्र उनकी मांगों का हल निकाले, अन्यथा आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। एक दिन की स्ट्राइक पे गए हैं, जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, जिसमें हर कर्मचारी का है। हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम लागू की है, उस स्कीम को स्क्रैप किया जाए और उसकी जगह जो है हमारे लिए ओल्ड जो पेंशन स्कीम है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक हमारा राइट है पेंशन, हम 60 साल तक का काम करते हैं और उसके बाद जो है और कुछ लेके नहीं है, पूरी जवानी हम अपने कर्म इसके लिए कर देते हैं, लोगों के सेवा में लगा देते हैं। ये हमारा अधिकार है और ये हमको मिलना चाहिए। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आजकल आउटसोर्सिंग हो रही है और इसमें जो है विभाग को जो है चार विभागों में बांटा जा रहा है। सेविंग बैंक को अलग किया जा रहा है, इंश्योरेंस को अलग किया जा रहा है, हमारा बीडी बूडी का जो पूरा बिजनेस है उसके लिए किया जा रहा है, और तीसरी हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सबसे ज्यादा जो आजकल शॉर्टेज हमारे स्टाफ की चली है। 15 के बाद डाक विभाग में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है और आज हम 30 जो हमारी स्ट्रेंथ है 30% तक रह गई है, जिसमें पब्लिक को भी सफर हो रही है, हमको बेहतर सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, असमर्थ है हम बेहतर सेवाओं को देने के लिए। तो इसी के खिलाफ हमारा जो एजिटेशन है हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक करे, नहीं तो ये हमारा जो स्ट्रगल है वो देर तक चलेगा। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं इन मुद्दों पे। धन्यवाद।